दही के साथ मसाला पूड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मसाला पूड़ी को आप आलू टमाटर की सब्जी के साथ, मटर पनीर, छोले के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। इवन ये चाय के साथ भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आप इसको बना के सफर में भी लेके जा सकते हैं। ये 2-3 दिन तक खराब भी नहीं होती है। तो चलिए हम मसाला पूड़ी बनाते हैं, आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पूड़ी बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कप आटा लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और तेल। सबसे पहले मैंने जो ये जीरा और काली मिर्च लिया है इसको मैं क्रश करूंगी। इसको एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे हल्का हल्का क्रश करना है। तो मैं इसको क्रश करूंगी। ये काली मिर्च और जीरा मैंने क्रश कर लिया है। देखिए एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया मैंने, थोड़ा मोटा मोटा ही इसको रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी। और नमक डालूंगी इसमें। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। पूड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हम इसको अच्छे से मिलाऊंगी ताकि नमक और मसाले और तेल जो है अच्छे से आटे में मिल जाए। की सहायता से मैं आटा गूंथ लूंगी। एकदम आटे को ढीला नहीं करना है, थोड़ा सख्त रखेंगे हम। पूड़ी का आटा जो है थोड़ा टाइट होता है कंपेयर टू रोटी के आटे से। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे। देखिए आटा मैंने जो है गूंथ लिया है और इतना ही टाइट रखना है, आटे को ज्यादा ढीला नहीं करना है। तो चलिए पूड़ी बनाते हैं। पहले मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी ताकि कढ़ाई जो है गर्म होती रहे। अब मैं इसके अंदर तेल डालूंगी। तेल गर्म हो रहा है तब तक हम पूड़ियां बेल लेते हैं। आप पूड़ी का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने इतनी छोटी लोई ली है। देखिए मैंने इसको बना लिया है लोई। अब मैं इसमें पहले तेल लगाऊंगी। आप कटोरी में तेल लेके ट्राई करें, ऐसे ट्राई ना करें। सारी पूड़ियां हम बेल लेंगे ऐसे। एक साथ मैं 5-6 पूड़ियां बना के तब तलूंगी पूड़ियों को। देखिए मैंने पूड़ियां बेल के तैयार कर ली है। पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं।
सारी पूरियों को हम ऐसे ही तल लेंगे। प्लेट के दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे। अब इसको मैं निकाल दूंगी। देखिए पूड़ी बनके हमारी तैयार है। और भी पूड़ियों को हम ऐसे ही सेक लेंगे। पूड़ियाँ बनके हमारी तैयार हो गई हैं, अब इनको सर्व करेंगे। मसाला पूड़ी बनके तैयार है। मैंने इसको आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व किया है। मैं अपनी पूड़ी को आलू टमाटर की सब्जी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके उसकी रेसिपी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।